हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर ट्रेडिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है। आज मैं आपको लाइव इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको कि पेपर ट्रेडिंग क्या है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग को अभी अपने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग जर्नी अपने स्टार्ट किया, अभी ट्रेडिंग को सीख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है कि आप पेपर ट्रेडिंग पहले करो। स्टार्टिंग में 2-3 महीने पेपर ट्रेडिंग से करो, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको एक एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको नकली पैसे मिलते हैं, ठीक है, वर्चुअल मनी जिसको बोलते हैं। नकली पैसे आपको मिलेंगे उसमें ट्रेडिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब जिस तरह से अगर जो भी ट्रेड लेना है तो उसमें प्रॉफिट लॉस सब चीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रियल मनी के माइंडसेट से अगर आप ट्रेड करोगे तब उसमें आपको सीखने को मिलेगा। नहीं, आप ऐसे ट्रेड लेके छोड़ देते हो, 1-2 लाख का ट्रेड ले लिया, छोड़ दिया, लॉस और प्रॉफिट कोई मतलब नहीं, तो आपको उसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप पेपर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल रियल मनी के माइंडसेट से ट्रेड करना, ठीक है, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसमें आपको नकली पैसे मिलते हैं, उसमें आपको ट्रेड लेना होता है, जो भी होता है प्रॉफिट लॉस आपको उसमें शो करता है, ठीक है। तो जो जैसे रियल मनी का जो एप्लीकेशन वर्क करता है, सेम जैसे ये भी वर्क करता है। चलो, आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें क्या जाता है, कहाँ पे टारगेट आपको रखना, कैसे अपने इसमें स्टॉप लॉस लगाया जाता है, सारी चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मार्केट ओपन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और ये जो मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, ये है, इसका नाम है फ्रेंड पेज, ठीक है। इजीली आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और सिर्फ आपको नंबर से इसको लॉगिन करना, आपकी ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको नकली पैसे मिलेंगे ट्रेडिंग करने के, ठीक है। चलो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, किस तरह से इसमें स्टॉप लॉस लिखा जाता है, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो आपको कैसे इसमें एग्जिट होना, सारी चीज़ वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर रखा पूरे नंबर से लॉगिन करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखो, इस पर ट्रेड लेवल न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई चीज़ अगर आएगा इसमें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ इसमें है, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेड लेना, किस तरह से ट्रेड लेना बताता हूँ। देखो, यहाँ पे इसको ट्रेड लेवल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ तो, ठीक है, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे प्लस के निशान नीले करके इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपको ट्रेड लेना है, यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा। मान लो मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मैं निफ्टी मुझे लगता है कि निफ्टी 25,000 पे चल रहा है ना, निफ्टी 25,400। मान लो मैंने निफ्टी 25,400 को यहाँ पे कॉल लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल पे क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ देखो बाइक ऑप्शन, आपको बाइक पे क्लिक करना, ठीक है। अब अगर आपको क्वांटिटी यहाँ से बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको 50 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे 25 पे इसको ट्रेड करना है, ठीक है। बस ये आपको सिखाने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉफिट लॉस मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। बस आपको सिखाने के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो एंट्री प्राइस है ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो आप लिमिट पे भी प्राइस लगा के बाय कर सकते हो। जैसे अभी मार्केट कितने पे, अभी देखो इसका जो प्राइस यहाँ चल रहा हो स्क्रीन पे 124 रुपये, अगर मैं बाय करता हूँ 124 में बाय होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि जब ये मार्केट 120 पे आए तब मेरा ये जो ट्रेड है बाय हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको लिमिट पे लगा सकते हो प्राइस इस जगह पे, ठीक है। तो मैं अभी बस मार्केट के प्राइस पे इसको बाय करूँगा, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ उसके बाद नीचे ऑप्शन है, देखो यहाँ पर लिखा है इंट्राडे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इंट्राडे, टुमोरो और एक्सपायरी, ठीक है। तो देखो इंट्राडे का मतलब है कि आज ही खरीदो और आज ही बेचो, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर टुमोरो है मतलब कि आज खरीदना कल बेचना है, तो आप टुमोरो करके इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी, ठीक है। तो अगर एक्सपायरी पे करके क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी आ जाएगा। इसमें एक्सपायरी पे क्लिक कर यहाँ पे एक्सपायरी लिखा आ गया। तो ये जो ट्रेड है ना, आपको जब तक इसका एक्सपायरी नहीं होगा ना तब तक ये आपका ट्रेड चलता रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। तो हम मैं 3 ऑप्शन है, तो मैं को इंट्राडे करना है, ठीक है। आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एक सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको क्या होगा, प्लेस ऑर्डर प्लेस हो चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पर डन कर देना, आपको डन करते आपको यहाँ पे शो कर देगा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। बिल्कुल जो रियल मनी में जो जैसे ट्रेड होता है उसमें प्रॉफिट लॉस जैसे दिखता है, सेम उसी तरह इसमें भी शो करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे को ना 40-45 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है अभी, ठीक है, 46 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ये चीज़ें शो करती है, ठीक है। अब यहाँ जो इसमें ऊपर भी 3 ऑप्शन है, एक वॉच लिस्ट है, जो कुछ भी जो आप फेवरेट जो आपका स्टॉक है उसको इसमें ऐड करके आप रख सकते हो, ठीक है। तो अभी ट्रेड अपना चल रहा है, ठीक है। मैं आपको कैसे एग्जिट होता है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक मेरा 118 रुपये का लॉस हो चुका है, ठीक है। बस आपको मैंने सिखाने के तरीके से लिया है, इसमें प्रॉफिट लॉस कोई मैंने ये समझ के नहीं लिया, ठीक है। तो बस आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मुझे ना यहाँ पे मुझे 108 रुपये का लॉस हो चुका, ठीक है। अब मुझे मतलब कि मुझे बस इतने का लॉस नहीं रहता, अब मुझे यहाँ से एग्जिट होना है, ठीक है। नहीं, एग्जिट नहीं, मैं मान लेती हूँ मैं यहाँ पे ना मैं 200 रुपये का
क्या करना है, मुझे 200 रुपये तक का लॉस लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो आपका ट्रेड चल रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा होगा, इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, और यहाँ पे यहाँ से दो लिखा है एग्जिट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप एग्जिट भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे अभी एग्जिट नहीं होना, ठीक है, तो मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा होगा, तीन ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉडिफाई टारगेट, आप अपना टारगेट भी लगा सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर है मॉडिफाई स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। जैसे मैंने 124 में यहाँ पे बाय किया था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अभी कितना प्राइस है, 113 रुपये, ठीक है। तो मैं मान लो तो मैं ये 110 पे जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से बाय हो, मतलब कि सेल हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐसे अपडेट कर दिया, इसको लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैं डन कर देता हूँ, तो ये मेरा जो है ना, अब जो ट्रेड है 110 पे जैसे ही आएगा ना, मतलब तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मान लो मुझे टारगेट लगाना, चलो ठीक है, टारगेट भी लगा देता हूँ। तो ऊपर वाला जो है देखो मॉडिफाई टारगेट, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू टारगेट, अभी मान लो 116 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो मुझे मान लो मुझे बेचना है 130 पे, जब जाए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, बाय हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 130 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 130 लिख दिया, यहाँ पे अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, मैंने टारगेट भी लगा दिया, ठीक है। अगर 110 पे आएगा मार्केट, ठीक है, तो वहाँ से मेरा ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। अगर वो 130 पे जाता है तो वहाँ से मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ, देखता हूँ कितना मेरा अभी तक लॉस हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 197 रुपये का लॉस हो चुका अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पोजीशन में जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे 114 रुपये अभी इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, और 122 में मैंने को बाय किया था, ठीक है। तो जैसे ही 110 पे ये जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो जाए, मैं एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जिट नहीं होना, ठीक है, आपको खुद से एग्जिट करना है, ठीक है, तो यहाँ से आपको इस सेम इस पर क्लिक करना और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ देखो एग्जिट का बटन है, आपको इस एग्जिट पर आपको यहाँ से क्लिक करोगे, उसके बाद जितना भी आपको लॉस होगा यहाँ पर दिखा देगा, उसके बाद जो एग्जिट का बटन फिर से आपको आएगा यहाँ पर शो करेगा, आपको एग्जिट पर यहाँ पर क्लिक करना और ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ट्रेड से बाहर हो चुका हूँ, तो देखते कितना इसमें लॉस हुआ मेरा। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो लॉस है 136 रुपये का यहाँ पे लॉस हो चुका है मेरा, ठीक है। तो मैंने इसको 25 का लॉट लिया था, मैंने एक लॉट 25 क्वांटिटी है निफ्टी का, और मैंने उसको किया था बाय किया था, मैंने 122 में बाय किया था, ठीक है, मैंने उसको सेल कर दिया, तो मुझे 136 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये जो पेपर ट्रेडिंग है ना, बहुत ही ईजिली है इसको यूज़ करना, ठीक है, आपको इसमें बहुत सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको रियल मनी का अगर माइंड सेट से ट्रेड करोगे ना, तभी आपको सीखने को मिलेगा, नहीं अगर ऐसे आप ट्रेड लेके छोड़ देते हो तो आपको इसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, अगर इसमें कुछ भी अगर समझ आपको नहीं आया तो आप क्या कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।